अगर कांग्रेस सरकार देश में नहीं होते थे तो अयोध्या में हमारा रामलला का मंदिर आज से 70 साल पहले बन चुके थे। लेकिन भाइयों और बहनों, आज ये 70 साल हमारे देश में बाबर को किसने पाल के रखा था? ये कांग्रेस वाला ने ये बाबर को पाल के रखा था। अभी बाबर का जगह में रामलला तो आ गया, लेकिन हमारा देश का कोने कोने में अभी भी कोई बाबर छुपा हुआ है। ये सारे बाबर को हमारा देश से धक्का मार के हमें निकालना है, और उसके लिए हमें बीजेपी को बार बार जिताना है, ऐसे उनको हमें सबक सिखाना है। भाई और बहनों, आज हमारे गौरव भाई पलवल में चुनाव लड़ा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि गौरव भाई पलवल में खाली विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा है, उनका आगे का बहुत ही अच्छा भविष्य उनके लिए इंतजार कर रहा है। कोरोना समय में ट्रेन का सेवा बंद हो गया था, उन्होंने आज ट्रेन का सेवा शुरुआत हो इसके लिए हर वक्त वो काम कर रहा है। मैं अभी बैठा, मुझको पहले बोला कि हिमंत दा, पलवल में जो भी ट्रेन बंद हो गया था, मैं चुनाव जीतने का बात तुरंत सब लागू करूंगा, आप भी मुझे मदद कीजिए, ऐसा उनका मन में आप लोगों के लिए प्यार है। भाइयों और बहनों, ऐसे युवा नेताओं को अगर हम पलवल से जिता के भेजता हूं ना, हमारा धर्म की भी रक्षा होगा, हमारा देश का भी रक्षा होगा, और साथ साथ में पलवल का विकास भी एक नया दौर तक लेके जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है? हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या? लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा, और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा? हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था, और आप लोगों का याद है लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या? किसी को मिला है क्या? और इस बार हरियाणा में आके राहुल बाबा खटाखट का शब्द भी नहीं बोल रहा है। क्यों? 3 महीना में खटाखट भूल गया? मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, यह भारत आपको कोई दिन आएगा खटाखट करके अमेरिका वहां पस कर देगा, आपको यहां रहकर राजनीति करके आपका कोई फायदा नहीं है, आप खाली झूठ बोलते हैं, झूठ का सिवा आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप हिंदू समाज को आप खंडित करना चाहते हैं, हिंदू समाज को आप बांट के हमारा हिंदू को आप
दुर्बल करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो। आप खाली एक ही काम कर सकते हो, आप मीटिंग में जाते हो और हिंदू समाज को बांटने का काम करते हो। आपका हिम्मत है मुसलमान समाज में जाके मुसलमान को बांटने का? वो हिम्मत तो आपका नहीं है। आपका एक ही काम है, खाली हिंदू समाज को बांटना। लेकिन हिंदू समाज भी जाग उठा है, हिंदू समाज भी जानते हैं कि हम अपने आप के अंदर हम झगड़ा नहीं करूंगा। किसलिए? हमारा शत्रु हम नहीं है, हमारा शत्रु मुंह में बैठा हुआ है, हमारा शत्रु देश का कोने कोने बैठा हुआ है जो भारत को दुर्बल करना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि ये सुनाओ, आप लोगों को मालूम है अगर बाप बेटा का सरकार आएगा ये लोग किसके लिए काम करेगा, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बाप बेटा का सरकार आएगा तो आप लोगों के लिए काम करेगा क्या? है करेगा क्या? नौकरी आप लोगों को देगा क्या? आप लोगों को देने वाला नहीं है, वो लिस्ट बना के रखा है किसको नौकरी देने वाला है, किसका काम करने वाला है। मेरा आप लोगों को निवेदन होगा कि हम लोग सब लोग मिलके ये बात बेटा को सुनाओ, हरवाना पड़ेगा। और नायब सैनी जी का नेतृत्व में हमारे हरियाणा में हमें और एक बार बीजेपी का सरकार लाना पड़ेगा और यही संकल्प हमें सबको मिलकर लेना है। भाई और बहनों, हमारे मोदी जी ने हमारे ये सुनाओ जितने का बात हरियाणा के लिए क्या क्या करेगा उनका विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया है। लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपया हर महिलाओं को सम्मान का राशि प्रदान किया जाएगा। हमारा हरियाणा में सबको 500 रुपया में एलपीजी का सिलेंडर देने का हम काम करेगा। हरियाणा में पहला साल में ही हम 2,00,000 नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची देने का काम करूंगा। हरियाणा में 26 फसल हम एमएसपी में खरीदने के लिए हमारा जो संकल्प है, ये संकल्प का रास्ता में हम मिल के काम करूंगा। हमारा जब हरियाणा में सरकार आएगा, हम हरियाणा में 26 फसलों को हम एमएसपी से खरीदने का काम करूंगा। आपको याद है लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बोला था कि अग्निवीर का क्या होगा। मैं राहुल को बोलना चाहता हूँ, राहुल बाबा अग्निवीर 7 साल तक काम करेगा और उसके बाद भी वो पेंशन लेके रहेगा। ये राहुल बाबा मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हमारा सेना को दुर्बल करने का षड्यंत्र रचा गया। अभी राहुल बाबा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दोस्ती किया और दोस्ती करके बोला कि आर्टिकल 370 हम दोबारा यहाँ पास लेके आऊंगा। लेकिन मैं कांग्रेस को बोलना चाहूंगा, चाहे तो और 100 जन्म ले लो, लेकिन आर्टिकल 370 वहां पास नहीं आएगा। ये बात आप सुन लीजिए। आपको आप जानते हैं हाँ, इसराइल में हिजबुल्ला की कमांडर नसरअल्लाह को मार के गिराया और इंडी गठबंधन रो रहा है कि इसराइल ने हिजबुल्ला को क्यों मारा। लेकिन आपको कभी याद है जब हमारे सेना सीमाओं में मरते हैं तब इंडी गठबंधन रोता है क्या? कांग्रेस पार्टी रोते है क्या? कभी रोते है क्या? वो लोग कभी नहीं रोते हैं। लेकिन हिजबुल्ला का कमांडर जब मरे ना तब वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। मैं तो मन में यही कामना करता हूँ कि विश्व में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भगवान इज़राइल को और शक्ति दे, पूरे आतंकवाद को
खत्म कर देने के लिए और शक्ति दे, मैं यही कामना करता हूँ। हम जो भी शांति प्रिय लोग हैं उनका साथ है, लेकिन जो आतंकवाद को अपना धर्म मानते हैं हम उनका साथ नहीं है। नफुल्ला मरने से हम लोग रोएगा नहीं, हम लोग यही कामना करूंगा कि इसराइल को और शक्ति दे और देश विदेश में जितना नफुल्ला है सबका खत्म हो जाए, यही हम कामना करूंगा। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, अगर यहां में बाप बेटा का सरकार आते हैं ना, हरियाणा का हालत सचमुच बिगड़ जाएगा। इसराइल खान अब एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है तो बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। अगर बाप बेटा का सरकार आते हैं ना, मामून खान सचमुच हिंदू को निकाल देगा, लेकिन नायब सैनी का सरकार आने से हम ये सारे पाकिस्तानों को चुन चुन के हिसाब लूंगा, ये हमारा वादा है। बाप बेटा का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार चाहिए? बीजेपी। जोर से बोलिए, बाप बेटा का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार चाहिए? बीजेपी। चाहिए ना बीजेपी का सरकार? बीजेपी। एक रिश्तेदारों का काम करने वाला बाप बेटा का सरकार चाहिए कि सारे समाज के लिए काम करने वाला सरकार चाहिए? बीजेपी। कौन सा सरकार चाहिए? रिश्तेदारों का सरकार चाहिए कि सारे समाज का सरकार चाहिए? सारे समाज का। चाहिए ना सारे समाज का? सारे समाज का। नौकरी रिश्तेदारों को मिलना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए? सबको। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.